أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته This video is in English and Urdu language ये video English में भी और Urdu language में भी है Kindly read the descriptions given below in English Those who don't understand Urdu आप लोग description नीचे दिए गए हुए देखिए I want to tell you about the Dawatullahs The staff of Moses in the hand of the Dawatullahs with the seal of the Sulaiman alayhisalam in the hands of the Dawatullahs and this is that Seal of Sulaiman alayhisalam and the staff of Musa alayhisalam. These are the feathers collected from the original Dawatul Arz. It is unique, it is antique. These are the feathers of the original Dawatul Arz which have come in 2015, September and October and given the witnesses. After this, my children went up and collected all the feathers and this is made okay aha let abdullah my son abdullah allahu akbar bolo he also collected them and my children all collected so aapne dekha Dawatul Arz ke ye original par hain wo Dawatul Arz jo roop dharan kiya यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो रूप धारण किए मोर का जिसका जिक्र हदीस में आया जिसका जिक्र कुरान पाक में आया Dawatul Arz पीकॉक जिसे तेलुगु में नेमल भी कहते हैं इसके अंदर हर किस्म के रंग होते हैं दुम इसकी ऐसी जैसे मेंढे की यानी अगर आप पीछे के हिस्से को देखें तो बीच में एक दुम होती है और चलना इसके ऐसा जैसे कैमल का जनरली पीकॉक भागता ज़्यादा है उड़ता कम है और उसकी उड़ान थोड़ी थोड़ी होती है और कान उसके ऐसे जैसे हाथी के यानी उसकी ऑडियो एबिलिटी यानी सुनने की जो ताकत है वो हाथी की तरह होती है पीफोल का में बढ़ाता है हुद हुद इसराइल का नेशनल बर्ड है अल्लाह ने इसराइल को रिप्लेस कर दिया इंडिया से इसका जिक्र टू एज़राज चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है 2 में मौजूद है यानी टू एज़राज ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है लिहाजा इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक ये है Dawatul Arz दुनिया का हसीन तरीन परिंद खूबसूरत परिंदा इसका जिक्र हिंदुज़म में भी है हिंदूज भी इसे पसंद करते हैं मुसलमान भी पसंद करते हैं कुरान पाक में इसे रखा जाता है ये परों को आप देखिए बिहारुल अनवार शियाओं की हदीस की किताब में आया है कि सफ़ेद परिंदा जिब्रील अलैहिस्सलाम पर सफ़ेद परिंदे की शक्ल में मेहदी अलैहिस्सलाम की पहले बैत करेंगे सो ये वाकई निकला जब मैंने मोर को पिछली तरफ से देखा जब खास तौर से वैसे दुम उठाकर बता रहा था तब मैं देखा तो 80% व्हाइट नजर आ रहा था यही वो परिंदा है Dawatul Arz अब आप सोचेंगे कि मोर तो जमाने से है उसकी आवाजें सुने हैं मोर को लोग खाए भी हैं देखे भी हैं लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने आप लोगों की आंखों पर पर्दा डाल के रखा था और वो अब पर्दा खुला है 2015 में पहली बार 7 जुलाई 2015 को चाश के वक्त जब मैं पुकार अल्लाहु अकबर तो सूरह नमल आयत नंबर 61 से लेकर 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कौन है जो बंदे की सुनता है और उसे जवाब देता है लिहाजा उसकी तस्दीक हुई वहाँ पर मोर चाश के वक्त गवाही दिया मैंने अल्लाहु अकबर पुकारने पर उस वक्त मैं खुतबा दिया तो हदीस में ये भी आता है बिहारुल अनवार में कि मैं खुतबा दूंगा जो पहले कभी नहीं दिया गया फिर उसके बाद चाश के वक्त Dawatul Arz यानी Dawatul Arz नहीं कहा गया बिहारुल अनवार किताब में उसे एक सफ़ेद परिंदा कहा गया लेकिन उसकी तस्दीक कुरान से हो गई कि वो Dawatul Arz निकला ये देखिए वैसे मिर्ज़ा गुलाम खादिम जमात अहमदिया ने Dawatul Arz जो है ताउन के कीड़ों को कहा जम्स को कहा ज़रा सोचने वाली बात है दुनिया ज़माने से रही है एक ज़माने से दुनिया रही है और जब से जो है ना कई कीड़े हैं पतंगे हैं काटते हैं इंसानों को सांप बिच्छू वगैरह वगैरह बहुत सारे उसके कोई माने नहीं यहाँ पर कलाम करना था हदीस में एक जगह आता है इब्ने बराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग रिवायत करते हैं कि वो Dawatul Arz काटेगा भी तो काटेगा मुराद जो है बदला लेने के आते हैं यानी अल्लाह ताला जो है कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है एक आयत में कि जब कोई अल्लाह के निशाने का इनकार करता है तो अल्लाह ताला इंतकाम लेता है उनसे लिहाजा उसके काटने से मुराद जो भी Dawatul Arz का इनकार करेगा अल्लाह उससे इंतकाम लेगा वो माने भी निकल जाते हैं यानी उससे उसका काटना से मुराद जैसा कि माथे पर ऐसा निशान लगा काफिर के और मोमिन के अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे मेरे बच्चों के हमारे खिल उठे इतना बड़ा मौजूदा देखने के बाद तो ये है वो Dawatul Arz का पर मोर
आप बोलेंगे मोर, हम तो समझ रहे थे दावतुलस कोई नया जानवर होगा, उसको सिंह होंगे, सब कुछ आया है, लेकिन वो सिंबॉलिक है। हकीकत में मोर को भी ऊपर सिंह होते हैं, साथ में चोंच भी होगी, ये भी तो आया है, पर भी होंगे, ये भी तो आया है। अगर आप मोर को पिछले हिस्से से देखें उड़ते हुए ऐसे, तो आपको नजर आएगा ऐसे जैसे कि कोई फरिश्ता उतर रहा है जमीन पर। ये मोर हिंदुओं के पास भी इसकी वैल्यू है, मुसलमानों के पास भी है, और अल्लाह का चहिता है, और इसका ताल्लुक जो है जन्नत से रहा है। कहा जाता है कि जन्नत में बैठा था और सांप जो है इसके थ्रो जो है दाखिला लिया, पैरों में लपेट कर, इसीलिए उसके पैर ख़राब होते हैं। और वो निशान जो है मेरे भी पैरों पर थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए मेरे पैर, थोड़ा सा मुझे एलर्जी हो गई है मेरे पैरों पर, आप देखिए। क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम को भी जन्नत का मोर कहा गया है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा खुजा लिया हूँ मैं पैरों पर मेरे बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला ने करिश्मा करके बताया है मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह दावतुल अर्ज यही है पीकॉक। आज 6 फरवरी 2016 है, मैं गलती से इससे पहले के वीडियो में 2015 कह दिया था, आई एम सॉरी फॉर डैट, क्योंकि अभी भी साल गुजरा है ना इसलिए। तो इसका जिक्र हिंदुओं के पास भी है, देखा आपने ये दावतुल अर्ज। हिंदुस्तान में जनरली लोग जो है ऐसे 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 झाड़ते हैं, दरगाहों पर ऐसे ऐसे झाड़ते हैं एक ज़माने से, लेकिन इतना आम परिंदे को अल्लाह ने इतना मिस्टीरियस बना दिया था हदीस में के और कुरान में कि लोग समझ नहीं सके थे, और अल्लाह ने उसे जाहिर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, इम्तिहान बड़ा आसान निकला, लेकिन इससे कुरान और अल्लाह ताला की सच्चाई जाहिर हुई है। मेरे भाई और बहनों समझने की कोशिश करिए, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, आ चुका हूँ, और मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को जो ख्वाब पड़े थे सफ़ा मरवा के, उसकी ताबीन यहाँ पर निकली हिंदुस्तान में भुवनगिरी इलाके में, और ये वाक़ा हुआ है। बिल्कुल सफ़ा मरवा का जो डिस्टेंस है वैसे ही, और पहाड़ में से निकला है, काले पत्थरों में से मोर निकल के गवाही दिया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के जो भी ख्वाब थे मसीह दज्जाल के बारे में, मसीहा के बारे में, और दावतुल अर्ज के बारे में, खुर्बे ख़यामत उसकी ताबीर थी, क्योंकि वो ख्वाब के ज़रिए थे बयानात, लोग डायरेक्ट समझ गए, इसीलिए शाम में मसीह आएंगे समझ रहे हैं, मक्का मदीना में मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे समझ रहे हैं, रुकन मुकाम के दरमियान बैठेंगे समझ रहे हैं। लेकिन उसके माने ये थे सिंबॉलिक इंडिया में निकले, रुकन मुकाम से मुराद मेहदी अलैहिस्सलाम का रेंटेड हाउस और ओन हाउस, और बीच में मैदान, और खाने काबा को ढा जाना मतलब खाने काबा को गिरा दिया जाना मतलब मेहदी अलैहिस्सलाम के घर को ढाया जाना, हकीकत में खाने काबा को ढाने का मकसद नहीं है वहाँ पर। लिहाजा मोहम्मद हुसैन की जो ख्वाब की ताबीर पूरी हिंदुस्तान में सही निकली, इराक से मुराद पाकिस्तान है, हुसैन दुनिया से मुराद बरसग़ीर यानी ओल्ड इंडिया यानी सब कॉन्टीनेंट, और वो मशरक़ जो वो शाम जो मशरक़ में है, मशरक़ तीन वक्त का बयान करें मोहम्मद मुस्तफ़ा, और आप देखिए मक्का मदीना का उठा के मशरक़ एग्जैक्ट इंडिया आता है, एग्जैक्ट इंडिया आता है, ईरान इराक में नहीं आता सच अगर आप देखा जाए तो, और जो असल सीरिया है वो तो नॉर्थ में आता है और वेस्ट में आता है। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ख्वाब की ताबीर हुई खुरासान, खुरासान यानी सूरज निकलने की जगह को भी कहते हैं, और ये खुरासान हिंदुस्तान में भी है बिहार के पास। लिहाजा हिंदुस्तान से ही मसीह दज्जाल निकला है, और मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी यहीं से आया हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिर्क हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेटियों को हिंदुस्तान में मार दिया जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बदकिरदारी हिंदुस्तान में है, हक तलफी हिंदुस्तान में है, तो फिर डॉक्टर को कहाँ आना था, हिंदुस्तान में। और गज़वा हिंदुस्तान का जिक्र हदीस में आया है, और कुरान कहता है कि गोया मुशरिक कितना ही नापसंद करें, काफिर मुनाफिक कितना ही नापसंद करें, अपना अल्लाह अपने दीन को खालिफ करके रहेगा। लिहाजा गलबे का वक्त इस्लाम का हिंदुस्तान से ही है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि मुशरिक सबसे ज़्यादा नापसंद करेंगे मुनाफिकीन और काफिरीन, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर इस वक्त हिंदुस्तान में है, और वक्त भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलिल्लाह, मेरी बात समझ में आ गई भाई और बहनों? जो भी ये दावतुल अर्ज के निशान को देखकर लाइट लेगा, मजाक करेगा, नहीं मानेगा, वो जाएगा जहन्नुम में, ये मैं नहीं अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। लिहाजा मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल यानी भेजा गया हुआ, मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, याद रखिए आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं भेजा गया हूँ यानी भेजे गए को अरबी में कहते हैं रसूल। रसूल मतलब शरीयत आना नहीं, किताब आना लाजिम नहीं होता, नोट कर लीजिए आप, चेक कर लीजिए। अल्लाह हू अकबर।